विंध्य में राजनीतिक उठापटक के बीच 69 दिन में भाजपा छोड़कर आए पूर्व विधायक अभय मिश्रा ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने गंगाजल उठाकर वचन दिया था कि केपी त्रिपाठी को टिकट नहीं देंगे, बावजूद वह केपी त्रिपाठी को टिकट दे रहे थे। इसकी जानकारी होने पर सिमरिया की जनता के लिए भाजपा से सांसद जनार्दन मिश्रा और संजय द्विवेदी सहित वर्तमान विधायक की पत्नी को टिकट देने की बात कही है, लेकिन वह अचानक बदल गई और वही अभय मिश्रा ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने का दावा किया। अभय जी, एक बड़ा घटनाक्रम, हम देवस्थान पे बैठे हैं, पीछे देवी जी खड़ी, हम सबको देख रही, आप भी दिल से प्रश्न पूछेंगे और मैं भी दिल से जवाब दूंगा। दिमाग का उपयोग ना आप करेंगे ना हम करेंगे, कोई नहीं करेगा। दिमाग के कौन से मुद्दे राजनीतिक घटनाक्रम जिस तरह से चला, भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस में वापसी, ये किस तरह संभव पाया, कि क्या सोचा आपने कि अब ये स्टेप ले लेना चाहिए? मैं आपसे, मैंने बोला ना कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, मैंने जो चिट्ठी भी लिखी उसमें भी मैंने क्या लिखा है, मैंने उसमें लिखा है कि शिवराज जी ने मुझे टिकट देने का वादा कभी नहीं किया, मैंने उसमें लिखा है कि नहीं लिखा है। क्या हुआ, मैं यहाँ पर था, सर्वे में मेरा नाम बहुत ऊपर था, कांग्रेस में भी, भारतीय जनता पार्टी में भी, मेरे कोई हितैषी नेता जो मुझे बहुत मानते थे भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने हमसे कांटेक्ट किया, उन्होंने हमें भोपाल बुलाया और मुझे गाड़ी में बिठाए, बोले आइए एक जगह घूम के आते हैं, मुझे सीएम हाउस ले। जब मैं गेट के अंदर घुसा तो समझ में आया कि हम कहाँ जा रहे हैं, वहाँ से बात शुरू हुई। 3 महीने अंदर अंदर ये बातें चलती रही, हम लोग सवा घंटा बैठे हैं, हम और सीएम साहब 8 बार, और ये सवा घंटा मतलब अधिकतम बता रहा हूँ, कभी 15 मिनट, कभी 10 मिनट, एक बार तो सवा घंटा। शुरू में तो ये बातें थी कि आपको एक टिकट देंगे, आप आ जाइए हो, और जब मैंने ज्वाइन कर लिया तो हमने उनसे ये कहा कि देखिए साहब, आपके पास वहां लड़ने वाले सिर्फ 2 ही, एक आपका वर्तमान विधायक है और एक मैं, आप जानते हैं, अब आपके पास दोनों हैं, अगर आपने कहीं धोखा कर दिया और मेरे साथ धोखा कर दिया तो क्या होगा। सुंदरिया ये आदिवासी महिला है, देवी जी की तरफ हाथ करके बोल, जो भी से हम कहें कि हम केपी त्रिपाठी का नहीं चाहिए, आंखी से नहीं देखा चाहिए, हम उनको टिकट नहीं देंगे। भैया हमारे कहें कि और को का दई देव टिकट, तो हम सबके साथ रहा, मतलब केपी त्रिपाठी के साथ न रहा, इतनी बात ही। फिर सुराज सिंह बोले कि सुंदरिया ये गंदा आदमी को बात न करी अपना, तब फिर जल रहा गिलास माँ धोखा उठा ली, कहीं हम केपी त्रिपाठी का टिकट न दे, इतनी बात नहीं, माता जी के सामने बोल रहे हैं, मंदिर के नीचे खड़े होकर आप बोल रही हैं, मंदिर के नीचे, मंदिर के सामने में खड़े हैं, माता जी हैं, ये सच बात है। ये बात उन्होंने नहीं कही कि मैं तुमको टिकट देंगा, लेकिन ये बात कही और मैंने मन में मान लिया। अभी मुझे धीरे 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 खबर आने लगी थी कि दवा होकर के मैं धीरे धीरे, मैं 10 बार 2 बार का विधायक की जो नेता हूँ, राजनीति का बारीक हूँ, मैं समझ गया था। मैं एक एक नेता के पास गया हूँ, बीडी शर्मा साहब के पास गया हूँ, भूपेंद्र यादव साहब के पास गया हूँ, तोमर साहब के पास गया हूँ, सीएम साहब के पास गया हूँ। हमने कहा साहब, सिमरिया की जनता को मैं मरवा नहीं डालूंगा, मैं उस पाप का भागीदार नहीं हूंगा जहां लोग चिघाड़ मार रहे हैं। अभी तक तो लोग वहां पर तके बैठे थे कि चलो 5 साल का अत्याचार हो गया, अब किसी तरह वोट का दिन आ रहा है। एक आदमी है जुझारू, जिसने सिमरिया का विकास भी किया है, जिसने कभी किसी पे मुकदमा नहीं लगवाया, कभी कोई जातिवाद नहीं किया, कभी किसी से विवाद नहीं किया, जो बन पड़ा अच्छा ही किया, सिमरिया में विकास का काम किया है, और लोगों ने मुझे अफसर के तौर पर रख रखा था कि, और मेरा सर्वे भी अच्छा था। तो हमने कहा कि साहब, लोगों के पास एक उम्मीद थी कि चुनाव आएगा और इस समस्या का निदान हो जाएगा, अब अगर आपने, जो मुझे जानकारी हो रही है, वो समस्या का निदान नहीं हो रहा, उल्टा आपके दिमाग में ये है कि अभय मिश्रा को ऐसे करके पास में 1-2 दिन 4 दिन बस आपके बारे में विचार चल रहा करते करते, और जब एक दिन बचेगा तो एक बिस्कुट खिलाएंगे पार्ले जी, कि लो बेटा खा लो, जाओ अपने घर। मैं समझ गया था, अब इस बात तो का क्या, एक मिनट बोल लो, तो मैंने इनसे जाके बता दिया कि साहब ये नहीं चलने पाएगा, मेरा भी नाम अभय मिश्रा है, आप हमको हल्के समझ लेना, ये आप अभी भी सोच लो। मैंने खुल के बोला है कि आप संजय द्विवेदी को टिकट दे दो, मैंने खुल के बोला है कि आप जनार्दन मिश्रा जी को टिकट दे दो,
यहाँ तक कि मैंने खोल के बोला है सामने देवी जी कि आप केपी त्रिपाठी की वाइफ को टिकट दे, किसी के परिवार से मेरी दुश्मनी, लेकिन ये मत करना। लेकिन अब किस्मत की जो बात है, कागजे ही हाथ में लग गया मेरे, तो क्या करोगे। अब ये गए, इनका बैग ही छूट गया कहीं, और वहां से कोई आदमी लेके इनका बैग पहुंचाने गया तो रास्ते में दिखाई दिया, जो नजर देख लिया, तो अब क्या करो। ये नाम लिखे हुए थे उसमें चौथा से तिवारी लाल तिवारी, भले आज टिकट हो जाए, वो उस दिन की बात है जब ये जॉय लिखे थे। ये लिखे हुए थे नरेंद्र प्रजापति मनगवा से, ये गुड़ से लिखे हुए थे उसमें नागेंद्र सिंह साहब, ये उसमें लिखे हुए थे संजय द्विवेदी, केपी त्रिपाठी, नीलम मिश्रा, फिर नीलम मिश्रा में से क्रॉस, संजय त्रिपाठी, संजय द्विवेदी क्रॉस, उसमें टिक, और एक और कौन सा चौथा में याद नहीं आ रहा है, तर्न कराना चाहता हूँ मैं। इस तरह से कुछ काम मेरे दिमाग में है जो मैं कराना चाहता हूँ, बड़े बड़े काम कराना चाहता हूँ, ये मेरा है। और दूसरा सुख शांति चाहता हूँ, तीसरा चाहता हूँ, मेरे टाइम में तो 1 करोड़ विधायक निधि मिलती थी, जिसमें से हमने रेस्ट हाउस भी बनवाया उसी विधायक निधि से। ये वही विधायक निधि है जिसमें 1.5 साल पहले हमारी वाइफ टिफिन लेकर अपनी कुछ दोस्तों के साथ, सहेलियों के साथ वहां की विधायक रही हैं, किटी पार्टी में खाना खाने लगी, किटी गई थी। तो ये और इनके माने एक वही फायस का कुछ एक कर्मचारी और कुछ लफंगे टाइप आदमियों ने खाना खाते समय टिफिन फेंका था बाहर, खाना खाते समय टिफिन फेंका था, और वो महिलाएं चुपचाप मतलब बिना कुछ बोले उतर आई थी। मैंने पराकाष्ठा होती किसी चीज की, तो मैं ये चाहता हूं कि ये सब चीजें बदलें और सिमरिया की लड़ाई लड़ी जाएगी, रीवा की लड़ाई लड़ी जाएगी। किसी हाल में मध्य प्रदेश में सरकार बदलना बहुत जरूरी है, बहुत हो गया खेल तमाशा। ये क्या कर रहे हैं, ये चिल्लर फेंक रहे हैं, गठरी लूट रहे हैं। ये जनता में 20 साल पहले लक्ष्मी लाडली पैदा हुई, आज उसके भी लक्ष्मी लाडली पैदा हो गई, 20 साल में कम होता है, एक ही व्यक्ति मुख्यमंत्री, एक ही सरकार, 20 साल में आप उसको रोजगार नहीं दे सके, केवल आप उसको चिल्लर में इतना दे रहे हो जिंदा रहे, न मरे न उठाए और वोट भर दे, और अभी फिर वही आप वो कर रहे हो। रही बात शुक्ला जी का चोली दामन का साथ, तो ऐसा क्या सिगरौली में विकास हो गया कि मुख्यमंत्री जी 3 पंचवर्षीय लगातार मुख्यमंत्री रहे, और तीनों पंचवर्षीय में आखिर राजेंद्र शुक्ला ही जी ही क्यों सिगरौली के प्रभारी मंत्री रहे, ये कैसे हो सकता है। अगर वो मुख्यमंत्री है तो फिर से ये आर्थिक राजधानी, यहाँ वही प्रभारी मंत्री बनेंगे, वो वही मुख्यमंत्री बनेंगे, और सिगरौली जो करते हो। बस मुझे एक गलतफहमी हो गई, मुझे लगा कि अब मंत्री नहीं है तो शायद ये चोली दामन का साथ कुछ कम हो गया होगा, पर जब मैं गलती कर बैठा तो अंदर घुसा तो देखा कि नहीं, रिश्तों में कहीं कुछ नहीं है, जो कत्यो है, और ये छल का मैं हो गया शिकार। देवी जी की कृपा है कि समय रहते निकल आया, नहीं तो ये तो जान से ही, ये तो अपना काम ही आय कर दिए। बताए हाँ, कुछ कहा नहीं जा सकता। चलिए चलिए, रेवा से मनीष दाहिया की रिपोर्ट।